तितली वाला वो किस्सा बताएं जब आपने मम्मी को फोन किया था। तो अच्छा, तो बेसिकली हुआ ये था कि मुझे वर्कशॉप के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी और उन्होंने मुझे बॉम्बे बुला लिया था, और ये मेरा सेकेंड राउंड था बॉम्बे के लिए। तो और मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, बट हाँ मतलब मैं बहुत शाय टाइप की लड़की थी। मैं कभी लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत एक तरीके की लड़की थी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कोई किस करने में या किसी तरीके का सीन करने में। और मुझे लगता था शायद मेरे माँ बाप तो और भी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग ऐसे खुल के बात नहीं करते हैं घर पे। तो जब मैं आई, मुझे स्क्रिप्ट मिला, और जिस दिन मैंने उस स्क्रिप्ट में पढ़ लिया कि इसमें तो भाई ये कुछ है कि शी किसेज हिम ऑल ओवर हिज फेस एंड माउथ एंड, मैं पढ़ के थोड़ी सी घबरा गई, ठीक है, और मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गई कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया इसमें किस सीन है। तो जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे अतुल मंगिया, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हें नहीं पता था, तो मैंने बोला नहीं। तो अब मैं उस लेवल तक पहुंच गई थी कि मुझे वो काम करना भी था, पर मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं क्या करूं मतलब एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा डर के मैंने अपने सबसे पहले विनोद रावत को फ़ोन किया, जो कास्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने मुझे ढूंढा था। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने बोला अरे तुम एक्टर बनना चाहते हो, क्या हो गया, ठीक है, ये एक काम करो, थोड़ा कुछ देख लो वीडियोस वीडियोस। मुझे था कि आता नहीं है, मुझे मैंने पहले यही बोला था कि मुझे आता नहीं है, तो बोला वीडियोस वीडियोस देख लो। तो मुझे लगा चलो इनसे तो अभी फ़ायदा नहीं है, मैं पहले अपनी मम्मी से इनडायरेक्टली बात करती हूँ और देखती हूँ कि क्या बोल रही हैं, ठीक है। जब मैं ही इतनी अनकंफर्टेबल हूँ तो वो पता नहीं कितनी अनकंफर्टेबल होगी। तो मैं उनको फ़ोन किया और मैंने मम्मी को बोला आपको पता है इन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं था, जस्ट आई थिंक 21, इन्होंने मुझे बताया नहीं था, पर मुझे जस्ट अभी पता चला है कि इसमें तो एक ऐसे सीन है। तो मम्मी ने बोला देखो तुमको एक्टर बनना है तो अभी तुम्हारा चॉइस है, ये तो हो गए, इफ़ यू आर ओके डूइंग इट, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम ये सब करने के लिए ओके हो तो आगे जाओ ये कर लो, और अगर तुम आकर बोलती हो कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, ये मैं नहीं कर सकती और मुझे नॉर्मल जॉब करनी है, वी आर हैप्पी, ठीक है, तो तुम्हारा चॉइस है, पर ये सब देखो आलिया भट्ट भी करती है और ये भी करती है और वो भी करती है, तो क्या हो गया। आई थिंक वो जो स्टेटमेंट था ना, उसकी वजह से इट सडनली गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस। लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस इन मी एंड द वे शी स्पोक टू मी दैट नाइट, और मैंने बोला मुझे तो आता भी नहीं है, शी सेड हाँ वीडियो देख लो, दैट वॉज द फनीएस्ट। मेरी माँ मुझसे इतनी कंफर्टेबली बात करती है, वैसे तो शी इज़ वेरी इन अ सर्टेन वे, पर जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो आई थिंक शी ट्रांसफॉर्म्स हरसेल्फ इन टू समथिंग एल्स, अ साइड ऑफ हर जो हमने किसी ने नहीं देखी है, वो सडनली कहाँ से आती है कोई आइडिया नहीं है। जैसे उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा डर रही हूँ किसी चीज़ को लेकर, सडनली शी जस्ट कम्स एंड सपोर्ट्स मी इन अ वे दैट शी इज़ नॉट एक्चुअली इट्स। अभी रिसेंटली भी एक फिल्म के टाइम पर मुझे बेसिकली एक सीन था राजकुमार राव के साथ, एक इंटीमेट सीन था, सो आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई वुड गो फॉर दिस और नॉट। तो मैंने मम्मी को बोला यार मैं पता नहीं इंटीमेट सीन कंफर्टेबली कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आई हैव नो आइडिया। सो मेरी मम्मी ने मुझे बोला अब तुम राजकुमार के साथ भी नहीं करोगी तो बताओ किसके साथ करोगी।